अधिकारियों ने बताया कि जब तक नगर निगम द्वारा हमारी 11 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक संविदा सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में 3 दिन का वेतन दिया जाता है, लेकिन मथुरा में नगर निगम द्वारा 26 दिन का वेतन दिया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि मेरठ नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों को 12,500 रुपए वेतन दिया जा रहा है, लेकिन मथुरा में नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? 2008 से लेकर 2016 तक का सफाई कर्मचारियों को एरियर भी नहीं दिया गया है। वहीं सफाई कर्मचारियों को 2018 के बाद यूनिफॉर्म भी नहीं दी गई है। वहीं अधिकारियों पर आरोप लगाए कि जो बैकलॉग कर्मचारी हैं, उनसे विभाग साफ सफाई का काम न कराकर पार्षदों द्वारा अपना निजी कार्य कराया जाता है, सफाई कार्य नहीं कराया जाता। इसी तरह से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज उनके द्वारा हड़ताल की गई है और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक नगर निगम द्वारा सफाई कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। हमारी 5 सूत्रीय मांग जो कि अभी हमने 9/5/2022 को अभी नगर निगम मथुरा वृंदावन में अपना मांग सूत्र 5 मांग सूत्रीय प्रमाण पत्र दिया था, जिसमें हमारी लगभग जिन कर्मचारियों का ACP का पैसा अभी तक नहीं मिला है उन मांगों को लेकर मेन जो बैकलॉग सफाई कर्मचारी 150 सफाई कर्मचारी नगर निगम में बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मौलिक कार्य है वो सफाई कर्मचारी का है, लेकिन आज तक वो सफाई के काम पे नहीं आए। अधिकारियों के यहाँ पर उनकी गाड़ियाँ साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, उनका जो निजी काम है सफाई करने का आज तक वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। उन सब मांगों को लेकर आज, और इसके अलावा डूडा सफाई कर्मचारियों की बात करें तो ये शासन आदेश है, हमारे पास शासन आदेश मौजूद है जिसमें 366.54 रुपये का प्रति दिन देय का मानदेय देने के प्रावधान है। इसके अलावा नगर निगम आगरा, नगर निगम अलीगढ़, इन सब को लेकर और इन सब में मेरठ नगर निगम में सफाई कर्मचारी को 30 दिन कार्य कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ मथुरा वृंदावन नगर निगम में सिर्फ 26 दिन कराया जा रहा है। और इन सब 5 और 7 मांगों, मुख्य मांगों को लेकर हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18/12/2021 को हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया, जिस पर 3 जनवरी को नगर आयुक्त महोदय द्वारा और 7 जनवरी को महापौर जी की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बायरतोर आयोजित की गई, जिसका कार्यवत बहुत ही तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। जो हमारी सहमति हुई थी उन बिंदुओं पर इन्होंने कार्यवत जारी नहीं किया, वो 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उसका जो जिन पर वित्तीय अधिकार नहीं है, जिन पर प्रशासनिक अधिकार नहीं है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय ने स्वयति उस पत्र का हमारे का निस्तारण कर दिया तोड़ मरोड़ कर, जिसका जवाब ये 19 तारीख को उन्होंने निस्तारण पत्र हमारे पास भेजा 19/5/2022 को, और उसका जवाब हमने 20/5/2022 को नगर निगम में पेश कर दिया। उसके बाद हमने सोमवार को फिर इनको एक अंतिम स्मरण पत्र 24 घंटे का दिया। इसके बाद जब इन्होंने कोई हमारी खबर नहीं ली, हमारी समस्याओं का लंबित और ज्वलंत समस्याओं का निदान नहीं किया, अपने किए वायदों को पूरा नहीं किया, तो आम सभा 24/5/2022 को वाल्मीकि वाटिका भरतपुर गेट पर आयोजित की गई, जिसमें समस्त सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि काम बंद हड़ताल कर दी जाए। उसके तत्काल बाद 8:30 बजे इनका पुनः वार्ता का पत्र आया कि आप 11 बजे वार्ता के लिए उपस्थित हो जाएं, लेकिन 11:30 बजे तक भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। अभी अभी आपके सामने 11:35 या 40 पे हमारे नगर आयुक्त महोदय आए हैं। अगर वो चाहेंगे कि वार्ता करें तो हमें वार्ता संगठन वार्ता के द्वारा हमेशा खुले रखता है। अनवरत रूप से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल चलेगी और जब तक हमारी मांगों का धरातल पर समाधान नहीं होगा तब तक ये मांगें जारी रहेंगी।